क्या लग रहा हूँ मैं? टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ बोल रहे भैया जी। ओ भाई डांस तो छोड़ो, गाना अच्छा। सब एकदम रिलैक्स वाला है ना, ये घर पहन के चले जाओ आप। जितना पहले सुंदर लग रहा था उतना ही बद्दा लग रहा हूँ। उफ कितना ही क्रेजी। एक साइड पार्वती जी, एक साइड शिव जी। What's up guys, welcome back to the channel and in another vlog. So, vlog की शुरुआत हो रही है हमारे फिल्मिस्तान से, जो कि है आज हमारा टेक्निकल। एक बंदे से मैं मिलाना चाहता हूँ आपको, जो कि है हमारे दीपक सर। नमस्कार। दीपक सर हमारे जो बोलते हैं ना कोरियोग्राफर्स के हेड हैं, इनके बिना एक्ट आपका जाएगा नहीं लाइव, है ना। इनका मतलब अप्रूवल होना चाहिए, मतलब बेसिकली ये अप्रूवल लेते हैं चैनल से। सर दीपक सर क्या कहना चाहोगे आप आकाश के बारे में? आकाश के बारे में ये कहना चाहूंगी ये इडियट है, सबसे बड़ा एटलीस्ट कैमरे में तो अच्छा बोल दो सर, कैमरे में बहुत गंदा कोरियोग्राफर है, ऐसा मत बोलो सर। सच मान लेंगे वो लोग तो। बेसिकली मैं इसके बारे में बताता हूँ, ये मेरा कांचा है। कांचा मींस गाइस छोटा भाई है, नेपाली में लड़का, नेपाली में लड़का होता है, मेरा सबसे छोटा भाई है। और ही इज 1920 बट इज एन अपकमिंग कोरियोग्राफर, बहुत अच्छा है, बहुत एन एक्टर आल्सो आफ्टर सम टाइम। ऑफ कोर्स एक्टर तो बहुत बड़ा बनेगा ही, नेपाली का नाम रोशन करेगा। मस्ती ज्यादा है मगर ये उम्र है मस्ती करने का, बट इज वेरी गुड। थैंक यू सर, भाई मजा आ गया। सर ने कहा इस कैमरा ऑन करना पड़ता है, पता है बेसिकली अगर आपको तारीफ चाहिए ना, और सर इतने ज्यादा तारीफ करते नहीं है, बट कर दिया उन्होंने। तो भाई लोग अभी हमारा हो गया रिहर्सल, और ना मैं इस बार का जो हमारा एक्ट आप जैसे कि देख सकते हैं, एक साइड पार्वती एक साइड शिव जी भगवान, तो हम शिव शक्ति के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। आप देखो कॉस्ट्यूम, क्योंकि हमारे जो टेकिंग दादा और क्या बोलते हैं कपड़े कॉस्ट्यूम वाली टीम है, उन्होंने बोला कि एक्ट अच्छा है, सो भगवान आपके ऊपर एक्ट कर रहा हूँ, अच्छा जाए। तो अगर मैं एसी में ऐसा बैठूंगा ना, तो यहाँ साइड से गर्मी लगेगी, यहाँ साइड से ठंडी लगेगी, देख रहे हो, बट कोई नहीं। तो अगर मैं यहाँ हूँ तो यहाँ पर मैं पार्वती, तो यहाँ से शिव जी भगवान, देख रहे हो। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, दैट कि ना ये वाले डे टेक्निकल और शूट के दिन, यानी कि कल, दोनों दिन मैं चिकन नहीं खा रहा हूँ, बिकॉज मैं मतलब ऐसा मैंने सोचा कि भगवान का एक्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली चिकन विकन कुछ नहीं खाना, तो मैं पूरा दो दिन के लिए वेजिटेरियन बन जाऊँगा। और साथ ही साथ ये वाले एक्ट में, ये कॉस्ट्यूम में बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है टैकिंग वगैरह है, ताकि कुछ गिरे विरे ना, और इतना ज़्यादा कि मतलब अभी तक जितने भी मैंने परफॉर्मेंस किए होंगे ना, सारे परफॉर्मेंस के टैकिंग मिला के एक ये कॉस्ट्यूम में सिर्फ। अब ये हार्दिक भाई और मैं ऐसे घूम रहे थे, एंड ऊपर से फिर पता चला कि हमारा ऋतिक जो है वो भी आ रखा है मुंबई में, बिकॉज उसका कुछ तो मतलब ऐसा शूट वूट है। भाई ने मेरी गर्लफ्रेंड बना रखी है ना, और वैसे तो आता नहीं है, फोन करो भाई कब आएगा, अभी रिसेंटली हाल ही में आया था ये, फिर वापस चला गया। मैंने बोला भाई अब तू कब आएगा, भाई देखता हूँ थोड़ा टाइम लगा के, फिर भाई एक गर्लफ्रेंड बना रखी है मुंबई में। तेरा क्या शूट चालू है? ये कुछ तो भी इनका है, मैं भूल गया कुछ। एक्टिंग मत कर, बताना इन लोगों का है, रॉयल सर का जो सीरीज है, कुछ तो सीरीज के ना ये काम कर रहा है, तो फुल एकदम डांस वांस कर रहा है, तो उसके लिए फिर भाई आया था, कितने 30 दिन के लिए आया है। तो अभी मैं भी नया रहा कि ना, पहले जब आया था तब खाली बैठा हुआ था, तो हम जाते थे फुल एकदम झरना वरना वगैरह, बट इस बार भी नहीं जा पा रहे बिकॉज मेरा शो चालू है और ये भी बिजी है, तो ये फ्री होने के बाद शूट के अगले दिन ही भाई कहीं घूमने चलते, वापस वही जगह पे जाते हैं। इस बार चड्डी में फोटो खिंचाई थी, नंगे खिंचाएंगे, नंगा खिंचाएंगे फोटो। हाँ गाइस, इस बार न्यूड फोटो शूट होगा। पोस्टर बॉयज। तो अभी मैंने बोला यार फटफट मिल लेता हूँ, 9:30 बजे अभी वापस जाना है मेरे को रिहर्सल पे ट्रिब्यूट एक्ट। गाइस वोट करो इन दोनों को, आकाश को, मिस्टी को, सब लोग प्यार बरसाओ भाई, सोनी लिव ऐप पे जाके क्लिक करते रहो, मिस्टी की तो वही स्टोरी आती है, सिर्फ दबाते रहो गाइस, दबाते रहो। टेक्निकल हो चुका था हमारा, फिर तभी भी इन लोगों ने बुलाया सब कोरियोग्राफर्स को, ताकि ये लोग कल का जो ट्रिब्यूट एक्ट है वो सिखा सके, तो बेचारे सब आए यहाँ पर। ये सब कोरियोग्राफर्स जो ऐसा सीखते हैं ताकि टीवी पे अच्छा दिखे सब कुछ, तो ये सब ये देखो रात के 12-12 बजे तक सब सीखते हैं। सो आज हमारा शूट है, एंड हम जो एक्ट कर रहे हैं शिव शक्ति, जो हमारा कॉस्ट्यूम है वो उसमें हम नहीं बैठ सकते, बिकॉज हमारा परफॉर्मेंस जो है लंच के बाद है, जो हमने ग्रैंड प्रीमियर में पहना था ये वाला कॉस्ट्यूम, यही हमें बोला है पहनने को, मैंने इतना अच्छा अपना आउटफिट लाया था, लेदर जैकेट और पैंट ये सब, वो भी मना कर दिया पहनने को। बोलो ना क्या लग रहा हूँ मैं? टाइगर श्रॉफ बोल रहे भैया जी हमारे। थैंक यू सो मच भाई, बोल रहे कि बस बॉडी और बना ले तो उसके बाद तो टाइगर श्रॉफ लगे, ऐसा है क्या? बड़े हो गया आकाश थापा बनना है मुझे, टाइगर श्रॉफ तो अच्छा है बट टाइगर श्रॉफ फेस आपका फेस एक नंबर। थैंक यू भाई, भैया जी ने सुबह सुबह तारीफ कर दी मेरी। नाइस, तुम भी बोल रहे हेयर स्टाइल थोड़ा छोटा कर लूँ, है ना, खुद जो बॉबी दिल जैसे लग रहे उसका क्या?
अच्छी बात है ना, बॉबी देओल ने। हां नहीं, बॉबी देओल का 7th कॉपी वो लग रहे हो मुझे। चलो वो भी सही है, सही लग रहा हूं ना, स्मार्ट लग रहा हूं, ये बताओ। एक नंबर और क्या चाहिए। धन्यवाद भैया, सुबह-सुबह तारीफ मिल गई। हां यार, आईटी तो नहीं है यार, खींचना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो, हाइट बड़ा बोले तो खींचना पड़ेगा। अरे यार, बातें भी सेंस वाली नहीं होती, हाइट बढ़ाना खींचना पड़ेगा, क्या बात है। ये तो भाई पुराने जमाने के वो होते थे कि भाई पूर्णिमा की रात को मतलब ऐसा क्या ना, बच्चे को खींच दो तो उसकी हाइट लंबी हो जाती, वैसे वैसे वाले मिथ वगैरह होते ना। बाकी स्टेज पे मैं पहुंच चुका हूँ। ओ माय गॉड, सबसे पहला बंदा हूँ जो मैं पहुंचा। सबसे इजी कॉस्ट्यूम इन दोनों का है, जीरो टैकिंग कॉस्ट्यूम। जीरो टैकिंग, क्योंकि आज से ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि कपड़े में पैकिंग वगैरह होता ना, बट इनका तो है ही नहीं, सब एकदम रिलैक्स वाला है ना, ये घर पहन के चले जाओ आप। जिम अरे अरे पैर पड़ रहे। अबे यार शिव भाई, स्मार्ट लग रहे हो आप एज ऑलवेज, कुछ नया बता। दिन बना दे, दिन बना दिया। बना दिया किसने? अच्छा दिन बन गया क्या, क्या बात है। अरे तुम मेरे ब्लॉग में बस लड़की लड़की लड़की, भाई सच्ची बता रहा हूँ, तुमने और मैंने बस यही काम कर रखा है, लड़की लाइक काम है, फेम होना चाहिए। हाँ वो तो है, बस बीच में अगर सुंदरता को हम नहीं भाई तुमने ने तो हर ब्लॉग में जब भी शिव भाई आते बस लड़की की बात होती है। हमारी बिटिया की शादी है साहब, उनका आउटफिट देख के उनको वो वाला नहीं होता जो मूवी में बोलता है साहेब मुझे पैसे चाहिए, वो वाला है। ब्लैक ब्लैक, अरे डालता यूट्यूब ब्लॉग पे, यूट्यूब पे मानो कि मैंने ये नहीं पहना। अरे शुक्र सेम मुझे दोनों भाई भाई, ये देखो ये पहन के आया, ये नहीं पहना। बाल भी सेम लग रहे हैं, थोड़े थोड़े बड़े बड़े बाल। अरे मॉप आउट करो सेंटर से, मॉप आउट। अच्छा दिख रहा फ्लोर, बहुत बढ़िया। पहले मैंने आपको देखा, 3 साल से करो 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 ना। दूसरे विवेक सर का आया है जी जी, एक बैकग्राउंड देखे अपना कुछ इंटरेस्ट नहीं है, कुछ इंटरेस्ट नहीं है। पोए हट क्रॉस, ये क्या ओपनिंग हो रहा है? क्या ओपनिंग हो रहा है? ये ओपनिंग ओपनिंग सिखा रहे, गलत टाइम पे सिखा रहे, वो भी अभी बस 15 मिनट में स्टार्ट होने वाला तो सिखा रहे। ओ भाई डांस तो छोड़ो, गाना अच्छा। गिरना नहीं चाहिए, बस ऐसा विग बांधना कि मजा आ जाए, टाइट रहनी चाहिए टाइट। सो ये जो आप विग देख रहे हो ये मैं पहनने वाला हूँ, एंड अद्रिजा गाइस लाइक वेरी गुड, क्योंकि उसके ऑलरेडी लंबे बाल है तो उसको विग की जरूरत नहीं है। आधे से ज्यादा टाइम तो ये डर लगेगा कि गिरे ना गिरे ना, बस लड़की लग रहा हूँ। अगर मेरे लंबे बाल होते तो मैं कैसा लगता, ये देख। He's going to act. He's going to be Shivji and Parvati both. And Parvati. And Adrija also getting ready. Adrija ko dikho. Okay. Same. Maybe okay. Same. Same. Maybe same. Banne wala. So Adrija Akash. Look at this. Oof. Kitana hi crazy. Ek side Parvati ji. Ek side Shivji. Like all credit goes to हमारी सर और सर की टीम, इन्होंने legit 2 घंटे लगाए ये मेकअप में, और ये सिर्फ बार बार से आपको दिख रहा होगा बट पूरा उसका डिटेलिंग, आईब्रो भी साइड, उसके आंख अलग, यहाँ से आंख अलग। सो ये क्रेडिट आपको जाता है सर, थैंक यू सो मच, आपकी टीम को जाता है, थैंक यू सो मच भाई, लव यू सो मच। ऐसा क्रेडिट देने का मतलब, क्योंकि इन लोगों ने इतनी मेहनत की सिर्फ एक एक्ट के लिए, वो 2.5 मिनट के एक्ट के लिए, बट यार मानना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फाइनली गाइज हमारा परफॉर्मेंस हो चुका है जो कि बहुत ही क्रेजी गया। कैसा लगा भैया, देखा आपने? डन
डन नहीं, बताओ कैसा कैसा लगा? Very nice, very आपने देखा हमारा? थैंक यू भाई, बहुत ही क्रेजी गया वो, टेलीकास्ट के बाद आपको पता चल जाएगा। स्कोर 30, तीन बार 30 मारा हमने भाई, पिछले दो दो एक्ट से 30 30 मिल रहे थे ना, ऑरेंज वाले में भी मिले थे ना, हैट्रिक हो गया। हाँ ऑरेंज वाले में, ऑरेंज वाले में 29 मिले थे, उसके बाद से धड़ल धड़ 30 मिले भाई। अभी उतारना है, अभी नॉर्मल सिटिंग आउटफिट पे बैठना है। नहीं भैया जी, जिन्होंने मतलब फुल पेंट यहाँ से किया है एंड सब पूरी टीम ने मिला के, और मैम ने मेरा बात किया है यहाँ पर, सो थैंक यू सो मच दोनों को। एंड बाकी तो भैया लोग को मैंने बोल दिया ऑलरेडी, थैंक यू जिन्होंने भी काम किया ना। दबा के पकड़ो, अंदर इतने ज्यादा पिन वगैरह, इतना दर्द हो रहा है, समझ गई। पिन इसीलिए डालते हैं ताकि जो हमने वेग लगाया वो गिरे ना। मैंने बोल दिया इनको गलती से कि दैट मेरा कल जो है विग गिर गया था, इन्होंने भरपूर मतलब विग इतना भारी नहीं है जितना ये पिन डाल के हो गया। जितना पहले सुंदर लग रहा था उतना ही भद्दा लग रहा हूँ भी। ये इतने सारे जो पिन वगैरह है ना, ये सिर्फ मेरी सर विग से निकला है, इतना ज्यादा ये देखो। खतरनाक। फाइनली गाइस पैकअप हो चुका है हमारा, एंड आफ्टर पैकअप हम सब कोरियोग्राफर्स और आर्टिस्ट जो है मिलके अभी कर रहे हैं पार्टी, जो कि बहुत ही क्रेजी जगह पे आए। हमने सोचा है कि दैट की फुल एकदम खाना पीना यहाँ पर करेंगे अभी, तो सब गेट टुगेदर कर रहे हैं क्रेजी। थोड़ा कॉम्पैक्ट करो गाइस। बहुत जगह है, अरे नहीं जगह है। पूरी टीम आ गई भाई। अरे भजिया क्या बात है। चलो बहुत जगह है, अब इसका क्लोजिंग टाइम हो गया है। पार्टी हो गया खत्म, घर पे भी आ चुके हैं। सो ये वाला जो ब्लॉग है इतने रखते हैं, क्योंकि 4 बज चुके हैं, कल सुबह शूट पे भी जाना है। सो होप करते हो कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो आपको पता क्या करने का, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।